न्यूजीलैंड को टीम इंडिया के हाथों 5 मैचों की T20 सीरीज के पहले मैच में 6 विकेट से हार का मुंह देखना पड़ा। इस हार के बाद न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन ने बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि अगले मैच में टीम को सभी डिपार्टमेंट में बेहतर प्रदर्शन करना होगा। आपको बता दें, न्यूजीलैंड ने 20 ओवर में 5 विकेट गंवाकर 203 रन बनाए थे और भारत ने 19 ओवर में 4 विकेट गंवाकर 204 रन बनाकर मैच अपने नाम कर लिया। विलियमसन ने आगे कहा कि अगले मैच में टीम को गेंदबाजी, बल्लेबाजी और फील्डिंग तीनों डिपार्टमेंट में सुधार करना होगा। भारत ने पहला मैच जीतकर सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली है। उन्होंने आगे कहा कि कई पॉजिटिव चीजें हैं, यहां बचाव करना मुश्किल था और ओस भी थी। हम जानते थे कि हमें 200 से ज्यादा का स्कोर करना होगा। भारत ने जिस तरह का खेल दिखाया इसका श्रेय उन्हें जाता है। कीवी कप्तान ने कहा कि उनके गेंदबाजों को विकेट लेने की योग्यता पर काम करना होगा। उन्होंने कहा, धीमी गेंदें करना काम कर रहा था, लेकिन ऐसा करना मुश्किल लग रहा था क्योंकि भारत ने हमें लगातार दबाव में रखा, लेकिन हमें विकेट लेने के तरीके निकालने होंगे। ये जरूरी है कि हम अगले मैच में खेल के तीनों डिपार्टमेंट में सुधार करें। वहीं आपको बता दें, दोनों टीमों के बीच सीरीज का दूसरा मैच अब 26 जनवरी को ऑकलैंड के एडन पार्क मैदान पर ही खेला जाना है। अब देखना होगा दूसरी T20 में दोनों टीमें कैसा दमदम दिखाती हैं। आपको क्या लगता है, आप भी इस खबर पर अपनी राय रखिएगा। साथ ही आपके अपने चैनल हेडलाइंस स्पोर्ट्स को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।